क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजपाल है साहब। अच्छा, कल एक घटना हुई थी आपके यहाँ पर, एक महिला की ख़त्म हुई थी और उनको दाह संस्कार के समय दिक्कत हुई थी, क्या मामला था पूरा? बहुत दिक्कत ये हुई थी साहब के, हम सालों से रहते हैं यहाँ पे और जो हमारे जो समाधियों की जगह है उन्होंने दबंगों ने कब्जा कर लिया है। अब वो हमारी जो बहू थी, लड़के की बहू थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। अब हम शमशान घाट में ही ले जाएंगे साहब, शमशान में ले जाएंगे। वहाँ पे हम गए तो वहाँ लोगों ने विरोध किया कि साहब ये विरोध करने वाले कौन कौन थे? गांव गए थे। गांव के किस समाज के थे? ठाकुर समाज से। हाँ, कि जे हम लोगों की जो मरघट है, इसमें हमारे सिवाय कोई भी इसमें दाह संस्कार नहीं कर सकता। आपने चिता जला दी थी, वो चिता रख दी थी, क्या थी चिता? हमने डेड बॉडी को उठाया दोबारा नहीं साहब, हमने वो चिता जमा के और जैसे ही हमने दाह संस्कार लगाना चालू किया इतने में वो आ गए, उन्होंने फिर मैंने कर दिया। अच्छा, मौके पे पुलिस वगैरह भी आई थी क्या? हाँ आई थी साहब। अच्छा, पुलिस ने क्या कहा था? पुलिस ने उन्होंने भी कहा था कि भाई उन्होंने मदद करने की कोशिश की कि भाई इनको दाह संस्कार कर लेने दो इनको, पर वो फिर साहब कुछ विरोध पे अड़ गए तो हमने माहौल देखते हुए माहौल जैसे बिगड़ जाए इस तरीके से। हाँ अच्छा, आप मौके पे जो ग्राम प्रधान है यहाँ के वो भी थे क्या? हाँ वो भी थे साहब। तो उन्होंने आपका पक्ष लिया? देखो, एक चीज़ होती है महिला खत्म होने के बाद चिता पे पूरी चिता बन जाना, उसके बाद निकलना, तो प्रधान ने क्या आपका साथ दिया नहीं दिया? नहीं साथ दिया था। क्या कहा था प्रधान जी ने? प्रधान जी ने कहा था कि भाई इनको ये अभी ये लगा लेने दो और कुछ दिनों बाद इनकी कोई व्यवस्था हो जाएगी तो इनको अलग इनके नाम से वो जगह दे दी जाएगी। अच्छा, ये जो आपका परिवार है कितने सदस्य यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं? यहाँ तो सालों हो गए सर। कितने? लगभग लगभग 30-35 साल हो गए यहाँ पे। 30-35 साल से। तो इससे पहले कभी इस परिवार में यहाँ पे पूरे गांव जो आपका मोहल्ला है इसमें किसी की डेथ हुई थी उसको कहाँ चलाया? यहाँ पर तो साहब जो डेथ हुई ना ये पहली बार हुई सर। अच्छा। हाँ पहली हुई थी, इसके बाद पहले कोई डेथ नहीं हुई सर। जो महिला खत्म हुई थी क्या नाम था उनका? उनकी पूजा नाम था। उनके पति का? राहुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रिजपाल है। किस गांव के निवासी हैं? ये हम रायबा पुन्ना का नंगला कहलाता है। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? थाना अचनेरा लगता है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।